श्रीमद गोकुल के श्री यमुना जी के गोविंद घाट ठकुरानी घाट पर विराज रही। ये श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और श्री दामोदर दास हरसानी जी की परम दुर्लभ बैठक है, जहाँ पे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय को सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी ने प्रागट्य कियो और पवित्रा एकादशी के दिन श्री दामोदर दास जी हरसानी को पहली बार ब्रह्म संबंध आपने दियो। पवित्रा द्वादशी के दिन पवित्रा एकादशी को तो श्री महाप्रभु जी ने श्री जी को पवित्रा धरायो और बाके बाद पवित्रा द्वादशी के दिन श्री महाप्रभु जी ने श्री दामोदर दास हरसानी को याई जगह पे, याई बैठक के स्थल पे, गोविंद घाट ठकुरानी घाट की या स्थल पे ब्रह्म संबंध प्रदान कियो और श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, दमला ये मार्ग तेरे काजे प्रकट कियो है। तो हम कह सकें कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय को प्रागट्य स्थल है ये, जहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास हरसानी जी को ब्रह्म संबंध दियो। यहाँ दामोदर दास जी हरसानी जी की बैठक विराजे, श्री महाप्रभु जी की बैठक विराजे, श्री गोसाई जी की बैठक विराजे और बड़ो ही शांत और अद्भुत अलौकिक वातावरण को ये स्थल है। मंदिर मंडल नाथ द्वारा के माथे विराज रही है बैठक, ऐसे परम दुर्लभ स्थल पर है, जहाँ पे श्री यमुना जी की लहरन में ते उठके ठंडी ठंडी बयार झरोखन में ते श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और श्री दामोदर दास जी हरसानी को परम सुख प्रदान करें। और दामोदर दास जी हरसानी जो आज भी यह भूतल पे विराज रहे हैं, वे निश्चित रूप से या बैठक पे विराजें। और मेरो आप सब वैष्णवंत ये अनुरोध है कि आप जब कभी भी ब्रजमंडल में पधारो तो श्रीमद गोकुल में श्री यमुना जी के गोविंद घाट ठकुरानी घाट पे विराज रही या दामोदर दास जी हरसानी, श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी की बैठक पे आप जरूर आइयो, जरूर आइयो और यहाँ आपको एक अतीब आनंद की प्राप्ति होगी। और अब हम या के बारे में मुखिया जी से जाने। श्रीमद गोकुल में श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और श्री दामोदर दास हरसानी की बैठक में हम आए हैं, तो यहाँ के मुखिया जी ते हम या बैठक के बारे में कछु जानकारी प्राप्त करेंगे। मुखिया जी, मैं आपको जय श्री कृष्णा करूँ या बैठक के बारे में थोड़ा समय आप। बैठक के बारे में जय प्रभु के यहाँ तीन स्वरूप विराजे, महाप्रभु जी, गोसाई जी और दामोदर जी। महाप्रभु जी दामोदर जी को ब्रह्म संबंध देके विराजे हैं और गोसाई जी दामोदर जी से पुष्टि मार्ग को ज्ञान प्राप्त कर आई जब विराजी है। जय हो। मेन प्रभु जो है वो हमारे दामोदर जी हैं, क्योंकि दामोदर जी प्रकट नहीं होते तो महाप्रभु जी भूतल पे नहीं पधारते। बिल्कुल बिल्कुल। दामोदर जी महाप्रभु जी से 5 वर्ष बड़े थे, पहले पधारे और पधार करके ये संकल्प लेकर 2 माले एक झरोखा में विराज गए कि जब मेरे प्रभु प्रकट होए करके मेरे को दर्शन देंगे तभी मैं उन ये नेत्र खोलूंगा, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। वाह। तो महाप्रभु जी ने 5 वर्ष दामोदर जी की परीक्षा लेने के, दामोदर जी बोले खामे पीमे या कछु तो करें, पर दामोदर जी तो ऐसा पड़े कि है ही नहीं। जब महाप्रभु जी दामोदर जी के लिए ही प्रकट हुए। अच्छा। और प्रकट हो करके महाप्रभु जी ने 3 पृथ्वी परिक्रमा करी। दो पृथ्वी परिक्रमा में महाप्रभु जी गोकुल नहीं ढूंढ पाए कि गोकुल कहाँ है। जब 3री पृथ्वी परिक्रमा करते करते कहाँ पधारे महाप्रभु जी, वर्धा है चंपारण और रायपुर के बीच में। बिल्कुल। तो वहाँ दामोदर जी प्रकट हुए। जब महाप्रभु जी वर्धा पधारे तो दामोदर जी दो माले विराज रहे थे, बेसुध बेभान, पर प्रभु पधारते ही इनके 2 माले नेत्र खुले, प्रभु के दर्शन करे, प्रभु को दंडवत करी और 2 माले से ही कूद पड़े। ओहो। और कूद के साष्टांग दंडवत करी, महाप्रभु जी ने उठाए के तुरंत हृदय सुन लगा लिया और कही के वही कही के दमला तुम आए। बोले प्रभु मैं तो बहुत दिनों से आपकी बात देख रहे हूँ। तो दामोदर जी से महाप्रभु जी ने कहा कही के दमला चलो अब मेरे संग मेरे सब काम सिद्ध हो गए। जय हो। तो महा दमला जी बोले प्रभु आप तो महाप्रभु जी हो, मैं तो आपको एक सेवक और एक बालक हूँ। और बोले नहीं दमला तू नहीं मिलो, मेरे एक भी काम सिद्ध नहीं भाया है, अब तू मिल गया है मेरे सबरे काम सिद्ध हो जाएंगे। तो दामोदर जी को लेकर के महाप्रभु जी सीधे गोकुल आए। वाह। और गोकुल आए वो दिन कौन सा तो सावन सोती ठपराने तीज का दिवस हतो, वह दिन गोकुल आए। और गोकुल आए करके भी महाप्रभु जी चिंता करते हते कि गोकुल ढूंढने में नहीं आई, गोकुल कहाँ है, कौन बतावे ठकुरानी घाट, कौन बतावे गोविंद घाट, और मैं जीव को उद्धार कैसे करूं। तो जल में जो हमारी महारानी माँ विराज रही है, ये महारानी माँ प्रकट हुई और प्रकट हो करके महाप्रभु से कही कि आप चिंता नहीं करो,
आप 7 दिन सप्ताह प्रारण करो पहले यहाँ, और 7 दिन पीछे आपको ठाकुर जी के दर्शन होंगे और वो आपको सब लीला समझाएंगे। तो महाप्रभु जी ने 7 दिन यहाँ सप्ताह प्रारण करी और 7 दिन पीछे आप पवित्र एकादशी। पवित्र एकादशी की रात के 12 बजे श्री बाबा प्रकट भाई गोविंदघाट, महारानी माँ प्रकट भाई वो ठाकुरानी घाट, ठाकुर जी प्रकट भाई वो गोविंदघाट, और श्री बाबा ठाकुर जी महाप्रभु जी से कहू की अब ऐसा करो, चिंता त्याग करके अब दामोदर जी को ब्रह्म सुमन कराओ, अपना पुष्टि मार्ग प्रकट करो। वाह। और यहाँ पर श्री बाबा प्रकट भाई तो महाप्रभु जी ने उनको पवित्र जनाए हुए, तो महाप्रभु जी से ये हृदय में समझते थे कि मैं श्री बाबा को पवित्र जनाऊंगो तो श्री बाबा तुरंत अंतर ध्यान हो जाएंगे, फिर मैं उनको कब दर्शन देंगे। तो महाप्रभु जी ने 1 वर्ष का पवित्र श्री बाबा को वही वक्त धराया। वाह। एक वर्ष का पवित्र को मतलब है 360 साल सूच का पवित्र महाप्रभु जी ने धराया। वाह। और फिर द्वादशी के दिन सवेरे महाप्रभु जी ने दामोदर जी को ब्रह्म संबंध कराया। वाह। तो आज भी अपने यहाँ ये हुए कि एकादशी को ठाकुर जी पवित्र धाम है, द्वादशी को गुरु पवित्र धाम है, तो वही समय से चले आ रहे कि ठाकुर जी एकादशी को प्रकट भाई तो महाप्रभु जी ने उनको पवित्र धराया, द्वादशी दामोदर जी को ब्रह्म संबंध दिया तो दामोदर जी ने अपने गुरु को पवित्र धराया। वाह। और यहाँ पर यमुना महारानी प्रकट भई तो महाप्रभु जी ने एक क्षण नहीं लगाया, वही वक्त नमामि यमुना में हम सकल सिद्धि ही तुम, जैसे जैसे महारानी माँ के दर्शन करे ऐसे ऐसे 9 श्लोक में पूरा जमुनाष्टक प्रकट किया। वाह। ये मैन इनकी वो है। और आज भी दामोदर जी या भूतल पे विराज रहे हैं। जय हो जय हो। क्यों? महाप्रभु जी ने इनको 10 जन्म का वरदान दिया है कि दमला तेरे को 10 जन्म लेने पड़ेंगे पुष्टि मार्ग चलाने के लिए। जय हो। तो आज भी दामोदर जी विराज रहे हैं, दामोदर जी को 5 जन्म बनाए, दामोदर जी के 5 जन्म अभी लेने बाकी। वाह। तो ये मैन हमारे दामोदर जी है, दामोदर जी से बड़ो हम कोई को कछु नहीं जाने। क्यों? ठाकुर जी से भी बड़े ये बैठ हो गए दामोदर जी। वो कैसे हो गए? ठाकुर जी के हृदय में एक ही प्रभु विराजे और महाप्रभु जी गोसाई जी के हृदय में 2 प्रभु विराजे और दामोदर जी के हृदय में 5 प्रभु विराजे। जय हो। ठाकुर जी के हृदय में एक प्रभु कौन विराजे के अपने स्वामी जी को, महाप्रभु जी गोसाई जी के हृदय में ठाकुर जी स्वामी जी 2 स्वरूप विराजे, दामोदर जी के हृदय में ठाकुर जी स्वामी जी महाप्रभु जी और गोसाई जी, और स्वयं जो प्रकट हुए वो ललता जी के स्वरूप में प्रकट हुए दामोदर जी, जो 5 स्वरूप हो गए मैं प्रभु हमारे दाम। जय हो जय हो। बहुत बहुत सुंदर आपने बहुत सुंदर हमें जानकारी दी।